Hey everyone, welcome to my channel. In today's video, I'm going to show you how to create this cut crease green eye makeup look. So if you are interested to know how to get this look, then please keep on watching. तो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट कर रही हूँ कंसीलर से एज माई आई शेडो बेस. तो इसको अप्लाई कर लूँगी ऑन माई आई लीड और उसको ब्लेंड कर लूँगी विथ ए ब्यूटी ब्लेंडर. सो द कंसीलर इज़ फ्रॉम स्विस ब्यूटी. ये थोड़ा सा येलो अंडरटोन कंसीलर है और इसको मैं आई लिड पे अप्लाई कर लूँगी एंड उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर के साथ इसको ब्लेंड कर लूँगी. सो यहाँ पे मैं आई शेडो बेस को सेट कर ली हूँ विथ सम लूज पाउडर फ्रॉम मेबेलिन. सो यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट मैं यूज़ करी हूँ ऑल आर फ्रॉम अमेजोन और अमेजोन पे चल रहा है अभी ग्रेट फ्रीडम सेल स्टार्टिंग फ्रॉम 6th to 10th of August. तो मैं इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा एंड ऑल्सो प्रोडक्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा. आई शेडो पैलेट के लिए यहाँ पे यूज़ करी हूँ मेकअप रिवोल्यूशन सोफी एक्स आई शेडो पैलेट. सो आप देख सकते हो इसमें कूल टोन्ड काइंड ऑफ शेडोज ही है ज़्यादा. सो बहुत ज़्यादा ब्राइट शेडोज नहीं है. सो आप एवरीडे पर्पस के लिए भी ये आई शेडो पैलेट यूज़ कर सकते हो, स्मोकी आई क्रिएट कर सकते हो इसके साथ. तो सिंपल आई मेकअप के लिए ये बहुत अच्छा एक पैलेट है एंड पिगमेंटेशन इज ऑल्सो ओके शोके. थोड़ा बहुत आपको फॉल आउट मिलेगा कुछ कुछ शेडोज में, जैसे कि आप ये ब्राउन शेडो जो देख रहे हो उसमें थोड़ा सा फॉल आउट का इश्यूज़ है, बट बहुत ज़्यादा मेजर फॉल आउट नहीं है. सो फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश के हेल्प से मैं शेडो को अप्लाई की हूँ क्रीज पे एंड आउटर वी पे. नेक्स्ट यहाँ पे मैं लाइट शेड लेके उसके एज को थोड़ा सा और अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ताकि अच्छा सा ट्रांजिशन क्रिएट हो. एकदम छोटा सा पेंसिल ब्रश में ब्लैक शेडो को लेके मैं अप्लाई कर रही हूँ आउटर वी पे एंड इसको मैं लैश लाइन के साथ कनेक्ट कर लूँगी. सो ये डेप्थ प्रोवाइड करेगा आउटर वी पे एंड ऑल्सो स्मोकी इफेक्ट देगा आउटर वी पे. बहुत ज़्यादा इंटेंस नहीं करूँ ब्लैक शेडो को, थोड़ा सा अप्लाई करके फिर मैं ब्राउन शेडो के साथ उसको ब्लेंड कर लूँगी. इसके बाद मैं क्रिएट करूंगी कट क्रीज. तो यहाँ पे सेम कंसीलर के साथ मैं कट क्रीज ड्रॉ की हूँ. एंड जो शिमरी ग्रीन काइंड ऑफ शेड है उसको अप्लाई करूंगी जहां पे भी कंसीलर यूज किया था वो प्लेस पे. सो बेसिकली सेंटर लीड तक मैं अप्लाई करूँगी फ्रंट सेक्शन से. सो ये शेडो काफ़ी पिगमेंटेड है एज यू कैन सी और फ्लड ब्रश के हेल्प से यहाँ पे अप्लाई की हूँ शेडो को. इसके बाद लाइनर के लिए यूज़ कर रही हूँ लैक्मे इंस्टा लाइनर ब्लैक शेडो में और इससे मैं एक सिंपल सा लॉन्ग विंग आईलाइनर अप्लाई करूँगी. सो स्टार्ट करूँगी आउटर वी से. सो ये लाइनर बिगनर के लिए ठीक ठाक प्रोडक्ट है, यू कैन ट्राई इट, ऑल्दो मेरा उतना ज़्यादा फेवरेट प्रोडक्ट नहीं है. उसके बाद मैं इनर कॉर्नर के साथ इसको कनेक्ट कर लूँगी. काजल के लिए यहाँ पे यूज़ की हूँ मेबेलिन टैटू स्टूडियो काजल. इसको मैं लोअर वाटर लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ एज माय काजल. बहुत अच्छा काजल है, बहुत पिगमेंटेड है एज यू कैन सी. तो यहाँ पे मैं टाइट लाइन की हूँ काजल से. थोड़ा सा थिकर काजल अप्लाई कर रही हूँ बिकॉज इसके बाद मैं थोड़ा सा इसको स्मोक आउट कर लूँगी विथ सम ब्राउन शेडो. मस्कारा के लिए यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ लॉरियल वॉल्यूमिनस लैश पैराडाइज मस्कारा. सो ये बहुत अच्छा एक मस्कारा है, ये बहुत अच्छा वॉल्यूम प्रोवाइड करता है लैशेस को.
एंड हाईलाइटर के लिए यूज़ कर रही हूँ मेबलिन मास्टर क्रोम हाईलाइटर इन द शेड मोल्डन गोल्ड। इनर कॉर्नर एंड ब्राउ बोन को हाईलाइट कर लूँगी। लुक को कंप्लीट कर रही हूँ विथ अ लिपस्टिक फ्रॉम मेबलिन। सो मैं थोड़ा न्यूड लिपस्टिक ही रखना चाह रही थी इस लुक के साथ। सो दिस इज द ओवरऑल फिनिश लुक। लेट मी नो कैसा लग रहा है आपको ये लुक। सो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड यू कैन फॉलो मी ऑन माई सोशल मीडियाज फॉर मोर अपडेट। सो जो भी प्रोडक्ट यहाँ पे यूज़ की हूँ उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दी हूँ। सो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। एंड ऑल्सो डू चेकआउट अमेजॉन ग्रेट फ्रीडम सेल।